हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एट्यू। आज जस्ट कुछ ही घंटे पहले हमारे रेलवे मिनिस्टर सर पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसमें जो ग्रुप डी के लिए पोस्ट था वो मैक्सिमम पोस्ट आईटीआई वालों के लिए था, और कुछ ही पोस्ट में जो जनरल है, जो 10th स्टैंडर्ड है या 12th स्टैंडर्ड जो लड़का है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, इससे पहले ग्रुप डी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था उसके लिए हर टाइम 10th स्टैंडर्ड ही मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया हुआ करती थी, और ये कभी नहीं बताया गया कि इस एडवर्टाइजमेंट के बाद से आईटीआई मैंडेटरी कर दी जाएगा। तो इसलिए हमारा रेलवे मिनिस्टर सोचा कि जो पहले से नहीं बताया गया वो अभी अप्लाई करने से बहुत दिक्कत हो सकता है, काहे कि बहुत सारा नौजवान, बहुत सारा जो उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए इंतजार में था वो अब फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। उसका जो लक्ष्य है, उसका जो एम है वो अभी पूरा नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आके ये पूरा क्लियर किया कि इस बार जो वैकेंसी निकला है, इस बार वैकेंसी के लिए जो पुराना क्राइटेरिया था, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वही कायम रहेगा, यानी कि 10th प्लस मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रहेगा। अगर 10th पास आप किए हो तो आप हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सो बहुत खुशखबरी है, जो 63,000 जो या वैकेंसी निकला है उसके लिए आप हर कोई फॉर्म फिलअप कर सकता है। और यही नहीं, बहुत सारा चेंजेस भी लाया है, जैसे 10th स्टैंडर्ड तो मैंडेटरी कर ही दिया फॉर ऑल पोस्ट के लिए। उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन डेट है वो एप्लीकेशन डेट 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप जो नया नोटिफिकेशन आएगा या नया जो कोरिजेंडम आएगा उसके बाद, यानी कि आज के डेट से अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसके लिए 15 दिन और एप्लीकेशन डेट बढ़ाया जाएगा। ये मिनिमम टाइम है, हो सकता है कि 18 दिन 20 दिन भी बढ़ाया जाए, ताकि आप लोगों के लिए एक बहुत सारा टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने के लिए, और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। और जो बात है कि पहले ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप होती थी उसमें 100 रुपया जनरल का और जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है उसके लिए कोई फीस नहीं लिया जाता था, लेकिन इस बार जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपया और जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है उसके लिए 250 रुपया मांगा गया है, ताकि वो बोला है कि बहुत सारा लड़का या बहुत सारा कैंडिडेट वैसे डामी फॉर्म फिलअप करते हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम होता था वो होता था कि रेलवे को बहुत सारा इंतजार करना पड़ता है इस कैंडिडेट के लिए, लेकिन वो एग्जाम देने नहीं आता, इसमें मॉनिटरी लॉस बहुत हो जाता है। इसलिए एक एप्लीकेशन फी मैंडेट किया है एवरी पोस्ट के लिए, लेकिन जो 100 से एग्जाम फी बढ़कर 500 हो गया, इसके लिए रेलवे मिनिस्टर आज वादा किया है अगर आप एप्लीकेशन भरने के बाद फर्स्ट स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो अगर आप एपीआर होंगे तो आपके अकाउंट में 400 रुपया वापस किया जाएगा अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। आप जिस अकाउंट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी अकाउंट से वो पैसा आपको वापस मिलेगा। अगर आप रेलवे का फॉर्म चालान से, बैंक चालान से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप रिफंड किया जाएगा, वो रिफंड करने के लिए आपसे अकाउंट नंबर या अकाउंट का डिटेल्स मांगा जाएगा जिसमें वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो सके। और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए जो 250 रुपया ले रहे हैं वो 250 रुपया के पूरा वापस किया कर दिया जाएगा अगर आप सीबीटी टेस्ट में एपीआर होंगे। रेलवे ने सोचा था 2017 में कि कुछ पोस्ट के लिए जो आईटीआई या जो टेक्निकल बैकग्राउंड का लड़का है वो अगर आए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन रेलवे ने फिलहाल ये मान लिया कि ये फैसला लिया कि जो बंदा इस एग्जाम में पास होकर नौकरी मिलेगा जिसको, उसके लिए एक बहुत रोबस्ट ट्रेनिंग कर दिया जाएगा। कहे कि जॉब करने के बाद वो जो ट्रेनिंग पीरियड में रहेगा उस ट्रेनिंग पीरियड में उसका पूरा के पूरा जानकारी मिल जाएगा, किस टाइप का जॉब उसको करना है और कैसे उसको स्किल्ड एम्प्लॉय बना सकता है, इसके लिए एक बहुत रोबस्ट ट्रेनिंग का बंदोबस्त रेलवे ने करे। रेलवे जो टेस्ट है वो रेलवे टेस्ट 15 लैंग्वेज में आप कैंडिडेट दी जा सकती है, जो इंडिया के 15 लैंग्वेज वो आप कॉरिजन नाम में देख सकते हैं कौन कौन से लैंग्वेज जुड़ गया है। आप 15 लैंग्वेज में चाहे तो ये
एग्जाम दे सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप एग्जाम के बीच में किसी लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो भी ये पॉसिबल है। और अप्लाई करने के वक्त कैंडिडेट का जो सिग्नेचर मांगा जाएगा वो सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में करना है, ऐसी कोई बात नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज में वो सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये है आज का पूरा के पूरा डिटेल्स जो आवर रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली डिस्क्राइब किया है। बहुत अच्छा किया है, बहुत उम्मीदवारों का अब लक खुल गया है। वैसे ही एज रिलैक्सेशन पहले से दी गई है, बहुत लड़का एज के चक्कर में नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते थे वो भी फॉर्म फिलअप करेगा। और अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत लूज कर दिया है, यानी कि जो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वही कर दिया। तो अब आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए और इस नौकरी को पाइए। तो चलिए देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल जी ने बात बोला है वो हम डायरेक्टली आपको ले जा रहे हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फेसबुक पेज है उसी से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है। तो देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है, तो देखते रहिए स्टडी एट। अनदर इम्पोर्टेंट इश्यू दैट आई जस्ट आई फ्लैग्ड ऑफ सम ऑफ इट यस्टरडे, टुडे द फाइल हैज बीन fully finalized on the changes that we are doing to the recruitment, railway recruitment process. You may be aware that the Group D level 1 recruitment is happening after a gap of about 4 years. In the intervening period, in the last 3-4 years, certain changes have been suggested in the process, one of which was that the age relaxation which had started some 20 years ago, we should gradually wean it away. One of which was that we should have ITI or NCTVT also as a criteria, and certain changes like that were decided some time back, and accordingly this recruitment process was commenced. After the recruitment process commenced, certain issues were brought to the to my attention. Particularly with regard to the fact that because this is happening after many years, many candidates who would otherwise have normally expected to become eligible to apply, because of the age restriction which you are bringing in now and which was not adequately known in advance, a lot of candidates were getting left out. So we had once again reintroduced the relaxed age criteria. I had made it known about 2 days back. Yesterday also I had informed you that fees, the idea behind the fees was that we had a lot of applicants who were applying but not appearing for the examination, whereas railways was providing the whole infrastructure, preparing the whole infrastructure for examination in 15 languages. As I said, we are doing examination in 15 languages, so it's a whole huge infrastructure created and many students take it too casually. So therefore we increased from 0 to 250 and from 100 to 500 for non-exempt category, the fees, but with a proviso that 400 increase and 250 year, both will be refunded to those candidates who appear for the exam. So only serious candidates apply for this examination. So I think that is also a very good beginning to bring about some level of seriousness amongst the candidates. Another issue that came to our notice was that the educational qualification, which earlier used to be 10 standard, we had strengthened that qualification to make it 10 standard plus ITI or NCTVT in several of the categories of candidates. Acha, I'll repeat it in Hindi after I finish. Now this was not known to the people in advance, so it came as a surprise, and therefore we felt it was unfair to candidates who had been preparing for many months or years for this recruitment to open, that they would now become ineligible for most of the categories of recruitment without having been given advance notice that such a change is going to take place. So it would have been better if we had made this change known in advance and added this criteria well in advance for candidates to get a chance to procure an additional ITI or NCTVT qualification. In any case, Railways does a robust training program for all of them,
which will continue. In fact, that we are planning to strengthen with the commencement of the new university by middle of this year. So we are already re-looking at that skilling program and the training program to make it far more robust, so we get better quality of people ready when we take them into the railways after recruitment and training. So we have decided that for this exam, we will not insist on that additional ITI or NCTVT qualification. For the entire group D. For the entire group D. We are reverting back to the original criteria which was existing earlier. Minimum qualification will be classified. 10 standard, which it is as per DOPT and which is what the railways was also following. So this ITI thing? I'll just say it in Hindi then. Kai जानकारियां हमारे समक्ष आई. एक बार जब हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया तो हमारे समक्ष जानकारी आई कि एज को जिसको रिलैक्सेशन कुछ 18-20 साल पहले दिया गया था और जिसका बोर्ड ने निर्णय लिया था कि आस्ते आस्ते उसको रिलैक्सेशन को ख़त्म किया जाए, तो 2 साल पहले निर्णय हुआ कि हर साल एक एक साल रिलैक्सेशन कम किया जाए. उसके तहत इस साल हमने 2 साल का रिलैक्सेशन हटा दिया था एज का, उम्र का. लेकिन इसकी जानकारी पहले से ना होने के कारण कई कैंडिडेट्स अपने आप को एलिजिबल महसूस करते थे, लेकिन उनको जब एडवर्टाइजमेंट आया रिक्रूटमेंट का तो ध्यान आया कि अब वो एलिजिबल नहीं है. और इसमें कई सामान्य युवा युवतियों को जिनको एक उम्मीद थी कि इस रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में उनको भी मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, उनको नहीं मिल रहा था. तो ये हमने निर्णय लिया कि इस एग्जाम के लिए फिर से वो रिलैक्सेशन दी जाए, और अगर आगे रिलैक्सेशन हटा दिए तो पहले से सबको पता चल जाए और उसके बाद वो ग्रेजुअली जो DOPT के नॉर्मल एज है उस पर लाया जाए. लेकिन इस एग्जामिनेशन के लिए जो 89,406 पोस्ट्स अभी एडवर्टाइज हुई हैं, इसमें जो लेवल 1 ग्रुप डी ग्रुप सी है उसमें जो रिलैक्सेशन पहले मिलती थी वो रिलैक्सेशन पुनर्स्थापित कर दिए. इसी प्रकार से जो फीस थी, कल मैंने बताया कि 100 रुपए की फीस को हमने 500 किया था. उसके पीछे हेतु ये था कि कई लोग एग्जाम में अपना दाखला देते थे, फॉर्म भरते थे, लेकिन फिर एग्जाम में लिखने नहीं आते थे. तो जो पूरी बड़ी व्यवस्था और ढांचा बनाया जाता था एग्जामिनेशन का वो वेस्ट हो जाता था और खर्चा भी वेस्ट होता था. तो सीरियस कैंडिडेट्स आए एग्जाम में, उसके लिए 100 का 500 किया गया. लेकिन ये गरीब तबके के लोग हैं, इनका नए नौजवान हैं जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको बोझा ज़्यादा ना हो इसलिए जब वो एग्जामिनेशन लिखने आएंगे तो उनको 400 रुपये फिर से रिमबर्स कर दिया जाएगा, उनके खाते में भेज दिया जाएगा. और जो एग्जाम कैटेगरी में 250 रुपये ले रहे हैं वो तो पहले से अनाउंस था कि जब वो एग्जाम लिखने आएंगे तो उनको रिमबर्स कर दिया जाएगा वापस 250 रुपये. तो हेतु यही था, इससे पहले से 250 में तो लिखा ही था कि आपको वापस मिल जाएगा जब आप एग्जाम लिखने आओगे. जब 100 का 500 किया तो उसमें वो बात रह गई थी, उसको हमने क्लैरिफाई कर दिया कि उनको भी वो 400 रुपये वापस मिल जाएंगे. साथ ही साथ ये एग्जाम 15 भाषाओं में होगा, कंप्यूटर ड्रिवन होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, पारदर्शी तरीके से. और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें सिग्नेचर आदमी कोई भी भाषा में कर सकते हैं, वो कोई अंग्रेजी या हिंदी में होना जरूरी नहीं, कोई दक्षिण भाषा में, किसमें भी, कन्नड़ में, तेलुगु में, किसमें भी साइन कर सकते. एक और विषय जो हमारे ध्यान आया था कि कुछ समय पहले ऐसा निर्णय लिया गया कि स्किल डेवलपमेंट आजकल बढ़ रहा है, ITIs, NCTVT बढ़ रही है, तो आगे से कुछ कैटेगरीज के लिए 10वीं के साथ ITI और NCTVT को भी जोड़ दिया जाए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए, जिससे थोड़ा बहुत लोगों को जानकारियां इन विषयों की रहे. और उसके बाद रेलवे तो ट्रेनिंग करती है, लेकिन ये निर्णय जनता तक पहुँचा नहीं था. और 4-5 दिन पहले जब इश्तिहार आया तब पहली बार लोगों को मालूम पड़ा. अब ऐसे काफ़ी नौजवान थे, युवा युवती, जिनको ये जानकारी ना होने के कारण वो तैयारी कर रहे थे अपने इस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन
आईटीआई या एनसीटीबीटी का उन्होंने कोर्स नहीं किया था जानकारी ना होने के कारण। तो मुझे बड़ी जायज लगी ये बात, हमने बोर्ड मेंबर्स ने सबने डिस्कस किया आपस में, सेक्रेटरी स्टाफ, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, बाकी सब अधिकारियों ने और मेरे साथ भी चर्चा की। और ये एक संवेदनशील सरकार है, ये सरकार ध्यान रखती है कि गरीब आदमी, नौजवान, युवा युवतियों के हित की हमको सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। और मुझे भी लगा कि अगर उनको पहले से जानकारी नहीं थी तो कैसे वो अपने आप को तैयार करते हैं इन पोजीशंस के लिए। तो जो पहले सिस्टम था कि 10वीं कक्षा के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ये लेवल 1 की पोजीशंस के लिए, ग्रुप सी, ग्रुप डी, वो हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं। इस एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा के लोग अप्लाई कर पाएंगे, हर एक कैटेगरी के लिए जो सी और डी में है उसके लिए एलिजिबल होंगे। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से उनका सिलेक्शन देश भर में होगा और उसके बाद रेलवे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम और दुरुस्त करेंगे और मजबूत बनाएंगे, उसमें और मॉड्यूल्स डाल के जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिले जिससे वो देश की और रेलवे की सेवा और अच्छे तरीके से कर सके। ये भी निर्णय अभी बोर्ड ने और हमने मिलके ले लिया है। तो बहुत सडनली लोगों तक जाने के बाद उनको समय ना मिलने के कारण संवेदना अपनी दिखाते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि इस एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा सब कैटेगरीज के लिए रहेगी। आगे का क्या निर्णय बोर्ड लेता है वो पहले से जनता को बता दिया जाएगा, जिससे आगे के लिए बच्चे अपनी तैयारी उस हिसाब से किस कैटेगरी में जाना चाहे उसके लिए आगे से कर सके, वो बाद में निर्णय अलग से लेके आप सबको बताया जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, एज रिलैक्सेशन वो 3 साल की जो दी गई थी वो अभी कायम रहेगी। 10वीं कक्षा या ITI या NAC सर्टिफिकेट जो NCVT देता है, तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो, 10 और ITI और NCVT का NAC सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर व्यक्ति फुलफिल करता है तो एलिजिबल होगा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए और सब पोस्ट के लिए। ये प्रमुखता कंप्लीटली डिसाइड कर देते हैं। इसके कारण जो समय सीमा है जिसमें लोगों ने अप्लाई करना है उसको कितने दिनों से बढ़ाएंगे, सूटेबली बढ़ा देंगे, उसको भी सूटेबली बढ़ा दी जाएगी। मुझे लगता है 1 हफ्ता पहले एडवर्टाइजमेंट हुआ है, ये हुआ 3 तारीख और 10 तारीख, 3 और 10 को, तो 2 हफ्ते के लिए लगभग हमें बढ़ानी पड़ेगी। 15 दिन का हम इस समय सीमा को, एटलीस्ट 15 दिन, 18 दिन, जो भी समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी वो जल्दी नोटिफाई करके उसका इश्तिहार भी दे देंगे और वेबसाइट पे भी डाल देंगे। तो जो एप्लीकेशन की डेट है उसको अकॉर्डिंगली उतने दिन, 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इस पूरे विषय में सरकार ने युवा युवतियों की, जनता जनार्दन की जो एक उम्मीद है कि उन सबको मौका मिले, सभी को पर्याप्त तैयारी का मौका मिले, सभी को एक ही लेवल पे, एक ही फुटिंग पे मौका मिले रेलवे में भर्ती के लिए, ये स्थापित कर दिया गया और इसकी सराहना मुझे लगता है युवा युवतियों में काफ़ी रहेगी कि इस सरकार ने जो जनहित में है ऐसा निर्णय लेने में विलंब नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो ITI इसमें इंक्लूड किया गया था, व्हेन वाज इट डन एंड व्हाट वाज द रैशनल एट दैट टाइम? ये लगभग जुलाई 2017 में ये सोचा गया कि क्योंकि स्किल डेवलपमेंट को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो कुछ कैटेगरीज में 10th के साथ साथ ITI और NCTVT दोनों में से एक एडिशनल क्वालिफिकेशन भी ली जाए। लेकिन चूंकि ये तभी सबको जानकारी नहीं दी गई तो नॉर्मल कोर्स में तो पहले से चले आ रहा था 10वीं क्लास, तो सडनली पीपल वर टेकन बाय सरप्राइज व्हेन दी इश्तिहार जब आया रिक्रूटमेंट का, तो लोगों को एकदम सडन सरप्राइज मिला। तो ये मुझे लगा कि ठीक नहीं है, अगर हमें चेंज करना है तो हमें साल भर या सवा साल पहले
ये सूचित कर देना चाहिए कि इस समय के बाद से ये अप्लाई करेगा, तो जिन जिन को इंटरेस्ट है फिर वो अपनी दसवीं के बाद भी इसको एडिशनल क्वालिफिकेशन के रूप में तैयारी कर सके। इन ऑल फेयरनेस, आखिर कलकुला को हम में आप या मैं भी अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, और अभी तक का एक सिलसिला चले आ रहा है कि ये क्वालिफिकेशन होगी, और जिस दिन इश्तिहार आते हैं बोलते हैं 15 दिन के अंदर आपको भरना है, 1 महीने में भरना है, लेकिन अब वो क्वालिफिकेशन नहीं, एडिशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए, तो काफी बड़े वर्ग के लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है। 15 दिन में तो ही कैन नॉट डू दैट कोर्स, तो जो कोर्स की समय सीमा है उतना कम से कम एडवांस नोटिस से ये जनता के समक्ष रखना मुझे लगता है सरकार का दायित्व बनता है, और ये बात को हमने अप्रिशिएट किया और उसको इसीलिए रेक्टिफाई करके 10th स्टैंडर्ड जो पहले क्वालिफिकेशन थी वो पुनः स्थापित कर दिए। आगे अगर हम कोई चेंज करते हैं, बोर्ड इस पर निर्णय लेगा आगे के लिए, तो उसको पहले से जनता को बता के और एडिक्वेट टाइम देंगे जिससे वो उतने समय में अपनी तैयारी, अगर वो चाहते हैं उस कैटेगरी के लिए तो तैयारी कर सके, अगर उसके लिए नहीं चाहते हैं तो हर कैटेगरी में तो नहीं चाहिए, कुछ कैटेगरीज में चाहिए, कुछ में 10th था, तो आप सब कैटेगरीज के लिए इस एग्जाम में 10वीं कक्षा पर्याप्त।